हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अगर आप भी ट्विटर चला रहे हो, ट्विटर चलाते हैं तो ट्विटर में आप अपना जो यूज़र नेम है वो कैसे बदल सकते हैं, ट्विटर का यूज़र नेम कहाँ से बदला जाता है। वीडियो को कम्प्लीटली एंड तक देखें। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यूज़र नेम जो ट्विटर का है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है और उसके बदलना काफ़ी आसान भी है। तो चलिए जानते हैं। उसके लिए सबसे पहले ट्विटर ओपन करेंगे। ट्विटर एप्लीकेशन को ओपन करना है। अगर आप वेबसाइट से भी करना चाहते हैं तो भी सेम प्रोसेस यही होगा। यहाँ पर ट्विटर ओपन होने में टाइम लगेगा। ट्विटर ओपन हो चुका है। अब हमें जो करना है वो ये काम ये करना है कि हमारा जो प्रोफाइल वाला ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर ऊपर प्रोफाइल है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल वाले सेक्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें थोड़ा सा स्क्रॉल करना है और यहाँ पर है सेटिंग एंड प्राइवेसी। सेटिंग एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर इस तरह से फिर से एक नई विंडो टैब खुल जाएगा। अब हमें जो सबसे फर्स्ट नंबर का ऑप्शन है उसके ऊपर क्लिक करना है, जहाँ पर लिखा है यूअर अकाउंट। हमारे अकाउंट के बारे में जो जानकारी है वो यहाँ पर है, तो इसके ऊपर मैं क्लिक कर दूंगा। हमारे अकाउंट यूअर अकाउंट में आने के बाद यहाँ पर कुछ और ऑप्शन खुल जाते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी ज़्यादा ऑप्शन के छेड़छाड़ नहीं करनी है। सबसे पहला जो ऑप्शन है फिर से उसके ऊपर क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। अकाउंट इन्फॉर्मेशन में हमें चले जाना है। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहला ऑप्शन है यूज़र नेम का, यानी कि हमें यहाँ पर अपना यूज़र नेम बदलना है। तो यूज़र नेम पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर है यूज़र नेम। यूज़र नेम पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यूज़र नेम पर जैसे ही क्लिक करेंगे अब हमारी यहाँ पर यूज़र नेम जो भी डालना है वो आ चुका है। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है यूज़र नेम डालने में, क्योंकि जो ऑलरेडी यूज़र नेम लोगों ने लिया हुआ है वो हम नहीं ले सकते। यहाँ पर लिखा है योर यूज़र नेम मस्ट बी 15 कैरेक्टर, मतलब 15 डिजिट का आपका यूज़र नेम होना चाहिए। 15 कैरेक्टर और उससे कम ही होना चाहिए। इसमें आपको सिर्फ लेटर्स, नंबर्स और जो अंडर स्कोर्स होते हैं उसको इस्तेमाल करना है, स्पेस नहीं देना है। चले एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूँ, एग्जांपल ही लूँगा मैं एग्जांपल। तो इस तरह का जब मैं लेता हूँ तो यहाँ पर देख सकते यूज़र नेम इज़ अनअवेलेबल। तो यहाँ मैं यहाँ पर डिजिट डालूँगा थोड़े, तो 45 ने डाल दिया, नहीं होगा तो यहाँ पर इस तरह से डाल दिया, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। इस तरह से आपको भी जो डिजिट्स है वो डालने हैं। इस तरह का आपको एक यूनिक लेना है जो आप इससे पहले किसी ने भी ना लिया हो यूज़र नेम। साथ ही आप यहाँ पर बहुत बार ट्राई कर सकते हैं किसने लिया है किसने नहीं। एक बार ऐसा लगे यहाँ पर इस तरह का जो साइन आ जाए लिखे राइट साइन, मतलब ये यूज़र नेम किसी ने भी नहीं लिया है अब तक, आप ले सकते हैं। ये सब करने के बाद यहाँ पर नीचे डन का ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। डन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आ चुका है हमारी यूज़र नेम सक्सेसफुली अपडेट। एक बार प्रोफाइल में जाते हैं और यहाँ पर आपको दिखा भी देते हैं हमारा यूज़र नेम चेंज हो चुका है, जो कि यहाँ पर आ चुका है एज ए एग्जाम्पल 4546 इस तरह का। तो आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा।